खिलाफ दहशतगर्दी है, हम अभी सी वन ए टी में दहशतगर्दी में एफ आई आर दर्ज करेंगे। वहाँ पे जो सिपाही ड्यूटी पर थे नामालूम दहशतगर्द आए थे, उन्होंने उसको फायर किया है। पुलिस वाले मौके पे शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन जो है इलाके में शुरू हुए स्टार्ट है। हेलो, अगर पुलिस वाले उसको नहीं पकड़ सकते तो हमारे साथ मुज़ाकरात की भी कोशिश न करें। जो भी पुलिस वाले हमारा बच्चा है कल या हमारा है कल और किसी का बच्चा इस तरह गोलियों का निशाना बनेगा तो ये हमारी वो भी हमारा बच्चा होगा, कोई स्वात ही स्वात का ही होगा ना, इंडिया से तो नहीं आया, पाकिस्तान ही है। तो जब हम यहाँ अस्पताल पहुँचे तो पता ये हेडलाइन चल रही है कि ये पुरानी दुश्मनी थी, उसी वजह से इनको कत्ल किया गया। तो वो बंदा आके मुझे बता रहे कि हमारे किसके साथ दुश्मनी थी, अगर पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ सकते तो हमारे साथ मुज़ाकरात की भी कोशिश न करें। पहले तो उस बंदे को पकड़े जिसने ये बयान लगाया है, अगर ये उससे नहीं पूछ सकते तो हमसे न पूछे, हम वही तक बैठेंगे जब तक ये हमें वो बंदा ला के न दे। आप छोटा और दूसरा रिश्तेदार है हमारे इलाके का, हमारा रिश्ता भाई है, छोटा भाई है हमारा, ये नहीं है कि वो पराया है, वो भी हमारा भाई है। तो आपकी क्या मुतालबात यही है कि जिसने ये खबर लगाई है पहले वो बंदा लाए, उसके बाद मुज़ाकरात करेंगे। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़ है, ये दहशतगर्दी है, उसको बाकायदा पुलिस को वो DTP से वो मैसेज भी आया हुआ है कि हमने ये किया है, अगर पुलिस को मैसेज आया तो वो हेडलाइन वाला हमें ला के सामने कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आज 8:46 पे सब्जी मंडी में दौरा की जो है वहाँ पे जो सिपाही ड्यूटी पर थे जो पैदल गश्त कर रहे थे इलाके में, नामालूम दहशतगर्द आए थे, उन्होंने उसको फायर किया है। हमारे दो शहीद जो पुलिस वाले मौके पे शहीद हो चुके हैं और उसमें एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मुस्लिम कमर्शियल बैंक का जो है उसका ताल्लुक संगोटा से है, वो भी जख्मी हुआ है। सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में शुरू हुए स्टार्ट है, तमाम इंटेलिजेंस इदारे मौके पर आए थे, जाए वो कोस हमने शहादत भी इकट्ठी की है, CCTV वीडियोज़ हमें मिले हैं जिससे बखूबी इंशाल्लाह पहचान शनाख्त हो जाएगी कि ये नामालूम दहशतगर्द जो है ये कहाँ से है, ये कौन है। हम अभी हॉस्पिटल आए हैं और जितनी भी DSPs है जो सिटीज़ के SHOs है वो सारे लगे हुए हैं सर्च ऑपरेशन में, उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी हम पहुँच जाएंगे। सर ये बताएं इन लोगों